क्या बिग बॉस के मेकर्स कंटेस्टेंट के साथ कर रहे हैं बेईमानी? क्या बिग बॉस 15 में असली कंटेस्टेंट को रखा जा रहा है पर्दे के पीछे? पर बिग बॉस 15 अपनी शुरुआत से ही खूब सुर्खियां बटोर रहा है। शो में इन दिनों कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा तेजस्वी और करण कुंद्रा के इश्क के चर्चे खूब सुर्खियों में हैं। वहीं दूसरी तरफ आसिम रियाज के भाई उमर रियाज भी अच्छा खेल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर सामने आए हैं। जी हाँ, शो में उमर के अंदाज को भी काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन उमर के खेल से ज्यादा शो में इन दिनों तेजस्वी और करण की केमिस्ट्री को ही हाईलाइट किया जा रहा है। ऐसे में शो को फॉलो करने वाली जनता काफी भड़क उठी है और वो शो को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। जनता का कहना है कि मेकर्स तेजरन को दिखाने के चक्कर में शो के असली कंटेस्टेंट्स को दिखा ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हाल के एक एपिसोड की बात की जाए तो कैप्टेंसी टास्क में उमर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। शमिता को उन्हें 2 बार डिस्क्वालीफाई भी करना पड़ा था। टास्क से बाहर करने पर उमर की शमिता से जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी, लेकिन एपिसोड की हाईलाइट करण कुंद्रा और तेजस्वी को दे दी गई। ऐसे में अब जनता सोशल मीडिया पर दावा कर रही है कि मेकर्स उमर की फुटेज को जानबूझकर कम दिखा रहे हैं और तेजस्वी और करण पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वूट पर बिग बॉस को फॉलो करने वाली ऑडियंस का कहना है कि शो की मेन जान उमर ही है, वो ही शो में ऑडियंस को ज्यादातर एंटरटेन करते हैं। लेकिन शो के 1.5 घंटे के एपिसोड में उमर की बजाय तेजरन, जय और शमिता गिने चुने कंटेस्टेंट्स को ही हाईलाइट किया जा रहा है। पर्दे के पीछे हो रहे इस गड़बड़ को देख अब जनता शो को बायस बता रही है। देखिए लोगों के कमेंट्स को। एक यूजर ने लिखा, कलर्स उमर रियाज को एपिसोड में क्यों नहीं दिखा रहा है, वो पूरे दिन एंटरटेन करते हैं लेकिन चैनल सिर्फ 4-5 लोगों को ही ऑडियंस पर थोप रहा है। आप उमर के स्ट्रॉन्ग होने से इतना डर क्यों रहे हैं? आप इतने बायस्ड क्यों हो? तो वही एक दूसरे यूजर लिखते हैं, बिग बॉस एक पर्सनैलिटी बेस्ड रियलिटी शो माना जाता है, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर करना, हमेशा बायस्ड रहना, एंटरटेनमेंट के नाम पर जबरदस्ती के लव एंगल्स दिखाना बहुत ही गलत है। आप उमर रियाज का कंटेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिग बॉस डिडंट शो दिस इन द एपिसोड बिकॉज दे हैड टू शो राजीव्स पर्सनल नौटंकी एंड फेक तेजरन। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेन एपिसोड्स एंड लाइव फीड्स। All of Umar Riaz's content is scrapped. He is most entertaining person in Bigg Boss 15. Colors TV not giving a fair chance to a potential winner is not how you play a game. Audience isn't stupid. We are tired of watching shit content. Bilkul boring episode, especially first 30 minutes. Bigg Boss, please show Umar Riaz's clips. Aap uski clips ko main episode mein nahi dikhate. Aap Umar Riaz ki clips nahi dikhate, isliye Bigg Boss dekhne mein bilkul maza nahi aata. Well, dekha na aapne, janata kaise keh rahi hai ki show ki live feed और कलर्स पे दिखने वाले एपिसोड में कितना अंतर है। ऐसे में अब शो पर कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं हाल ही में जिस तरह से शो से आउट हुई कंटेस्टेंट डोनल ने विजय एंडी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि घर में कन्फेशन रूम में कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस सीक्रेट बात करते हैं, उससे जनता शो पर अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और तेजन की केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए एक स्टंट बता रही है। वेल, बेशक बिग बॉस का ये सीजन लास्ट सीजन से बेटर लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से शो विवादों में फंसता जा रहा है उससे ये शो फिलहाल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वेल, आपको क्या लगता है? क्या वाकई तेजरन के लिए उमर को कमजोर दिखाया जा रहा है शो में? शेयर कीजिएगा अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।